संतुष्ट है? कल तक आक्रोश था, आज थोड़ा ठंडा हुआ है आक्रोश? नहीं, आक्रोश तो हमारा बिल्कुल, जिस तरह की घटना हुई थी तो जिस किसी ने भी देखा है तो उसके रोंगटे खड़े होना स्वाभाविक है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद में हमारा 50% आक्रोश तो ठंडा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। बट आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, उनको हमने हमारी मांगों के बारे में निवेदन किया, उन्होंने धैर्यपूर्वक हमको सुना। बस हम चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो जाए। आप ये PSO को लेकर तो हर स्टेज पर जब भी आप मांग देते हैं ज्ञापन तो उस पर मांग करते हैं, लेकिन आज तक उस पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया। आपको लगता है कि अब सरकार आपकी बात को मान लेगी? हमें उम्मीद तो है सरकार हमारी बात मानेगी, और सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती तो हम बार बार याद दिलाते रहेंगे। याद तो दिलाते रहेंगे, आगे का क्या स्टेप रहेगा आपका? अभी 11 बजे हमारी मीटिंग है सारे कर्मचारी संगठनों की, राजस्थान के जितने भी, जिसमें सचिवालय भी है और राज्य सेवा के अधिकारियों के संगठन भी हैं, पटवार संघ वगैरह जो भी है उनके साथ हमारी संयुक्त मीटिंग है। उसके बाद में जो भी होगा आपको बताएंगे। तो आपको लगता है जो प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर तो है प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन अब अफसरों के ऊपर भी प्रोटेक्शन एक्ट है जो एम्प्लॉय एक्ट, वो लागू हो जाएगा? देखिए, हम डॉक्टर्स से भी ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन में हम लोग काम करते हैं, हमारी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है। डॉक्टर्स भी बहुत क्रूशियल काम करते हैं, उनकी भी मरीजों की डीलिंग है, उनका भी है तो बहुत अच्छी बात है। बट हम तो कानून व्यवस्था जहाँ पे हमको आधी रात को भी उठ के जाना पड़ता है, कहीं बवाल हो जाए, बलवा हो जाए या दंगा हो जाए, आगजनी हो जाए, जहाँ भी होता है सबसे पहले SDM भागता है। बस एक ड्राइवर होता है और एक SDM होता है और वही टूटी फूटी गाड़ी, तो उसके जो जीवन पे खतरा बना रहता है उसके लिए हमें PSO चाहिए ही चाहिए। चालान जल्द पेश किया जाए और निर्वाचन विभाग जो अपनी रिपोर्ट दे चुनाव आयोग को, उसमें किस तरह का रहना चाहिए? वो हमने श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय से निवेदन किया है और उन्होंने हमको बिल्कुल आश्वासन दिया है कि वो जो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे उसमें नियमानुसार सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। अब वो फैसला तो चुनाव आयोग को करना है, हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट जाए। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है कि कब तक आपकी इन मांगों पर सहमति हो जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको PSO वाली बात पे जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कब तक? फिर भी कोई टाइम लिमिट तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी कराएंगे। कल के धरने को लेकर जो आपके RS अधिकारी हैं, इसी बैठक के बाद पूरा निर्णय लिया जाएगा? अभी 11 बजे हमारी बैठक है, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे 927 RS ऑफिसर्स हैं, हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, कार्यकारिणी डिसाइड करती है कि क्या करना है। और कुछ क्या डिमांड्स रखी गई है आपकी? कई RS के चैनल्स, ACR चैनल्स को लेकर भी आपकी मांग थी, और भी और कुछ मांग थी उनको भी? हाँ, कुछ हमारे प्रमोशन की, ACR की और प्रमोशन का कोटा बनाने की जो मांग थी वो भी हमने रखी है, उनको भी श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने सुना है, ध्यानपूर्वक सुना। कितने सूत्रीय मांग पत्र दिया अभी आपने? अभी मुख्य बिंदु तो हमारे 4 ही थे कि जो अभियुक्त है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ऑफिशियल प्रोटेक्शन एक्ट PSO और एक SOP जारी हो, पुलिस और प्रशासन के समन्वय के लिए एक SOP जारी हो, वही थे। इसके अलावा हमने मौखिक निवेदन किया। और जो जिम्मेदार थे, जिन्हों की मौजूदगी में ये पूरी घटना हुई और पुलिस को जो प्रोटेक्शन देना चाहिए था वो नहीं दिया, पुलिस को कार्रवाई को लेकर भी आपने मांग उठाई है? हमने कहा है कि देखो, पुलिस ने अपना काम किया है, जो बाद में उसको गिरफ्तार किया वो अच्छा किया, काम किया, और उसको गिरफ्तारी रात को कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन वो बूथ परिसर में जो मौजूद थे उनकी कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हो तो विभागीय कार्रवाई तो होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस पर ही होती है, लेकिन बिल्कुल होती है और सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो CM साहब के सामने इसको रखा है आपने? हमने हमारे ज्ञापन में काफ़ी सारे बिंदु रखे, उसमें से एक बिंदु ये भी है कि जिस किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही हो तो उसको भी अनदेखा नहीं किया। पुलिस भी है, पुलिस सेवा परिषद हमारे साथ में है और उन्होंने भी हमारे जो मांग है उनका समर्थन किया है, और मैं तो आज उस स्थिति में, तो सारे के सारे जो राजस्थान के कर्मचारी और अधिकारी संघ है उसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रीमियर एक सेवा है, तो प्रीमियर सेवा का अध्यक्ष होने के नाते हमको सबको साथ में लेकर चलना है। ये महावीर खराड़ी जो कह रहे थे कि 4 सूत्रीय मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया, महावीर शर्मा जी हैं, महावीर जी क्या कुछ डिमांड्स की गई से? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों की सुरक्षा का था,
और निर्वाचन में तो विशेष सुरक्षा रहती है, पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, और वहाँ भी इतनी बड़ी घटना घटित होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कर्मचारियों के सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। इसको लेकर आरएस एसोसिएशन ने पहली बार इतना आक्रामक रुख अख्तियार किया है, तो कर्मचारी महासंघ ने भी इसको बड़ा सीरियसली टेकअप किया है और राजस्थान के पूरे कर्मचारी 8 लाख कर्मचारियों की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री मोदी के सामने अपना पक्ष रख के आए हैं कि आपको एम्प्लॉय प्रोटेक्शन बिल लाना ही चाहिए और इस बिल पर गंभीरता से काम करना चाहिए। साथ में जो आर एसोसिएशन के एसडीएम और एडीएम के पीएसओ की जो डिमांड है वो डिमांड भी जस्टिफाइड डिमांड है। ये एज ए मजिस्ट्रेट जाते हैं तो एज ए मजिस्ट्रेट उनके साथ में इस तरह से पीएसओ रहना ही चाहिए, तो इस मांग को हमने पुरजोर तरीके से रखा है। और अभी 11 बजे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, इनके साथ हमारे लोग ही बैठेंगे, सचिवालय सिंह के लोग ही बैठेंगे, हम लोग बैठ के तय करेंगे कि आगे जो हमारी डिमांड्स है उनकी कैसी वो पूरी हो और कैसे सुरक्षा सुनिश्चित हो। और इसके साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी से मतलब नहीं है, अभियुक्त की सजा सुनिश्चित हो और कड़ी सजा सुनिश्चित हो कि ऐसा कभी भी कम से कम लीडरशिप में नहीं आए, कोई चुनाव लड़ने जैसा नहीं रहे। ऐसी धाराओं में सरकार और चुनाव आयोग मिल के ये तय करें कि वो इस तरह से जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका राजनीति में प्रवेश नहीं हो, राजनीति में प्रवेश नहीं हो। अभिमन्यु शर्मा जी, ये कल आप आक्रोशित थे बहुत ज़्यादा, आज थोड़े ठंडे हैं? ठंडे इसलिए हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी से जो हमारी वार्ता हुई है और वार्ता के बाद में जिस प्रकार का आश्वासन और हमें जिस प्रकार की संवेदना के रूप में उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि आपकी उचित मांगों को, न्यायोचित मांगों को मैं ऊपर तक पैरवी करके इसको करवाने में पूर्णतः रखेंगे, हमने रखी ये बात, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये राजस्थान के कर्मचारी अधिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि उसको फील्ड में जाना होता है, एक कर्मचारी अधिकारियों को नौकरी करनी होती है तो उसके साथ कितनी परिस्थितियाँ, परेशानियाँ सामने आती है। तो पूर्व में भी जब मेरे साथ भी स्थितियाँ बनी तब भी हम ये चीज़ें जब से उठी है, पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री मोदी के समक्ष हमने 1 महीने पहले ये बात रखी और वर्तमान में वापस से इस चर्चा को हम सभी प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर करी, तो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है पूर्णतः आश्वस्त भी किया है और आने वाले समय में शायद ये हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी एक पहल होगी अधिकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक पहल होगी यदि एम्प्लॉई प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो। साथ में एडीएम एसडीएम जो फील्ड में तैनात रहते हैं, जो सिर्फ एक ड्राइवर के भरोसे फील्ड में उतर जाते हैं, चाहे भले ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि आज सीएम से मुलाकात के बाद में कल जो आक्रोश दिखाई दे रहा था वो ठंडा है और 11 बजे